हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने वाली हूँ गेहूं के आटे और रवा से बनने वाले एकदम इंस्टेंट और एकदम झटपट बनने वाले लड्डू। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक कढ़ाई ले लेनी है, उसमें डाल देना है घी और घी को एकदम अच्छे से मेल्ट होने देंगे। जब घी एकदम अच्छे से मेल्ट हो जाएगा ना, तो इसके बाद यहाँ पर सूजी डाल देंगे, अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है और इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक एकदम अच्छे से पका लेंगे। तो देख सकते हैं गाइस, सूजी का कलर जो चेंज हो गया है, हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया है। तो ये स्टेप में हम इसमें डाल देंगे गेहूं का आटा। तो पहले गेहूं के आटे को है ना छन्ने की मदद से एकदम अच्छे से छान लेना है और जो छाना हुआ गेहूं का आटा रहेगा ना, उसको इस तरह से सूजी के अंदर डाल देना है। जितना आपने छाना था ना आटा, वो सब डाल देना है। इसके बाद इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लेना है, ठीक है गाइस। तो इसी तरह से आपको भी कर लेना है ताकि जो घी, सूजी और जो गेहूं का आटा है ना, आपस में तीनों चीज अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देख सकते गाइस, ये एकदम अच्छे से मिक्स हो गया है। तो ये स्टेप में अभी जो ये मिक्सर है ना हमारा, वो अलग बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे और सेम कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर डाल देंगे गुड़, क्योंकि यहाँ पर मैंने गुड़ इसलिए डाला क्योंकि ये जो लड्डू है ना, ये हेल्दी बना रही हूँ ना, इसलिए यहाँ पर मैंने गुड़ का यूज किया है। तो घी और गुड़ डाल के उसको अच्छे से इसको मिक्स कर लेना ताकि जो गुड़ है ना मेल्ट होके कढ़ाई के नीचे नहीं चिपके। तो इस तरह से चलाते हुए गुड़ को भी एकदम अच्छे से मेल्ट कर लेना है, ठीक है। तो देख सकते गाइस, गुड़ एकदम अच्छे से मिक्स हो गया है। तो ये स्टेप में अभी जो हम लोग ने मिक्सचर साइड में रखा था ना, मतलब रवा और गेहूं के आटे को एकदम अच्छे से अपन ने करके रखा था ना, वो सारा मिक्सचर इसके अंदर डाल देना है गुड़ के अंदर, ठीक है। इसके बाद इसको भी एकदम अच्छे से मिक्स कर लेना है, गैस की फ्लेम को लो ही रखना ताकि ये नीचे से जले नहीं, ठीक है गाइस। तो इसी तरह से आपको भी कर लेना है। जब ये एकदम अच्छे से मिक्स हो जाएगा ना, तो ऑलमोस्ट ये हमारा मिक्सचर लड्डू बनाने के लिए रेडी भी हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको भी कर लेना है, ठीक है गाइस। तो देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर मैंने इन सब चीज़ों को एकदम अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो इसके बाद गैस को कर लेना है बंद, कढ़ाई को नीचे उतार लेंगे और थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे, 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद इस तरह से गोल 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 शेप में अपने को इसकी लड्डी बना लेने हैं। देख सकते हैं गाइस, इसी तरह से आपको भी कर लेना है। तो थोड़ा सा मिक्सर ले लो, उसको इस तरह से हाथों से दबाते हुए इस तरह से गोल शेप दे दो। तो ये हमारे लड्डू बनकर रेडी भी हो जाएंगे। तो इसी तरह से सारे लड्डू मैंने बना दिया है। तो आप ये लड्डू को स्टोर करके भी रख सकते हैं, जब भी आपको कुछ मीठा खाने का मन हो तो लड्डू लो और खा लो। बहुत ही सिंपल तरीके से बनते हैं और बहुत ही हेल्दी बनते हैं। तो एक बार आप भी जरूर ट्राई करना ये वाली रेसिपी, आपको बहुत ही पसंद आएगी। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, और ऐसे ही रेसिपी वीडियो के लिए मुझे फॉलो करे। तो देख सकते हैं गाइस, कितने झटपट और कितने इंस्टेंट ये हमारे सूजी और रवा के आटे से बनने वाले लड्डू बनके रेडी भी हो गए। तो एंजॉय करो और एक बार आप भी जरूर ट्राई करें। फिर मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वाली रेसिपी कैसी लगी, ठीक है गाइस। तो देख सकते हैं गाइस, कितने सॉफ्ट और कितने मुलायम और मुंह में घुल जाने वाले लड्डू बनकर रेडी भी हो गए। तो मेरे कहने पे एक बार आप भी जरूर ट्राई करें और फिर मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है गाइस। थैंक यू।